आप बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहे वर्ल्ड कप का मैच के बारे में। अगर थे इससे पहले का वीडियो कौन देखा तो बात का लिंक थाने आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाओगे। तो पहले आप भी दो वीडियो जरूर देखियो। तो इस मैच में टीम इंडिया ने लास्ट ओवर में 16 रन की जरूरत थी और क्रीज पर मौजूद हो हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। पाकिस्तान की ओर से बॉलिंग लेके आए हो मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज को तो लास्ट ओवर हो और सामने स्ट्राइक पर हो हार्दिक पांड्या। जी हाँ, मोहम्मद नवाज आपकी पहली गेंद कराई तो हार्दिक पांड्या कैच आउट हो गो और हार्दिक पांड्या 37 बॉल में 40 रन बना की मोहम्मद नवाज को शिकार हो गो। अब टीम इंडिया ने 5 बॉल में 16 रन की जरूरत थी और क्रीज पर अगले बैट्समैन आयो दिनेश कार्तिक। मोहम्मद नवाज आपकी दूसरी बॉल दिनेश कार्तिक ने खिलाई और दिनेश कार्तिक ई बॉल पर मात्र एक सिंगल रन ही ले सके हो और मैच एक बार फिर से पाकिस्तान की पक्ष में मुड़ गो। और अब भी टीम इंडिया ने जीतने के लिए 4 बॉल में 15 रन की जरूरत थी और क्रीज पर मौजूद हो विराट कोहली। मोहम्मद नवाज अगली तीसरी गेंद विराट कोहली के सामने फेंकी और विराट कोहली ई बॉल पर 2 रन निकाल लिया। अब टीम इंडिया ने जीत कर लिए 3 बॉल में 13 रन की जरूरत थी। अब अगर मोहम्मद नवाज आपकी चौथी बॉल विराट कोहली के सामने फेंकी लेकिन यह बॉल कमर से ऊपर होने के कारण नो बॉल होगी और ही बॉल पे विराट कोहली छक्को जड़ दियो। लेकिन इस नो बॉल ने लेकर पाकिस्तान की टीम और अंपायर के बीच में काफी देर तक बहस चली। पाकिस्तान की टीम को कहना हो कि यह फुल टॉस बॉल है न कि नो बॉल है, लेकिन बाद में थर्ड अंपायर ने भी ई बॉल ने नो बॉल करार दी और टीम इंडिया ने बिना बॉल गवाया एक छक्को और एक नो बॉल को रन मिल गो। अगली गेंद मिल गई फ्री हिट। लेकिन अब भी टीम इंडिया ने 3 बॉल में 6 रन की जरूरत थी लेकिन अब यू मैच टीम इंडिया का पक्ष में आ गो। एक के बाद में मोहम्मद नवाज जी ही विराट कोहली ने फ्री हिट बॉल फेंकी तो यह बॉल वाइड होगी और एक रन टीम इंडिया के खाता में और जुड़ गो। अब टीम इंडिया ने 3 बॉल में मात्र 5 रन की जरूरत थी। फिर मोहम्मद नवाज आपकी चौथी बॉल फिर से फेंकी, यह बॉल विराट कोहली का स्टंप पर लगी और बाउंड्री की तरफ चलेगी तो विराट कोहली ई बॉल पर 3 रन भाग लिया और ई बॉल पर भी काफी देर तक पाकिस्तान की टीम और अंपायर के बीच में बहस चली। पाकिस्तान की टीम को मानना हो कि जब विराट कोहली बॉल दी हो गो फ्री हिट पे तो रन कहीं ले सके और बाद में टीम इंडिया के खाता में 3 रन जोड़ दिया गया। अब टीम इंडिया ने 2 बॉल में 2 रन की जरूरत थी और टीम इंडिया के हाथ में यह मैच पूरे तरीके से आ चुके हो और अगली बॉल खेलने के लिए दिनेश कार्तिक सामने क्रीज पर मौजूद हो। लेकिन एक बार फिर से मैच में टर्न आ गो और अगली 5वीं बॉल पर दिनेश कार्तिक आउट हो गो और अब टीम इंडिया का कन कोई बैट्समैन कुनियो खेल बगली और अब टीम इंडिया ने 1 बॉल में 2 रन की आवश्यकता ही और अगलो बैट्समैन टीम इंडिया के लिए खेल बनायो आर अश्विन ने 1 बॉल में 2 रन बनाना और सब टीम इंडिया का दर्शक की धड़कन थम चुकी। लेकिन लास्ट बॉल जय मोहम्मद नवाज ने फेंकी तो बा वाइड होगी और अब टीम इंडिया ने 1 बॉल में 1 रन की आवश्यकता ही और लास्ट बॉल में अश्विन ने गैप में 1 रन निकाल दियो और टीम इंडिया यो ऐतिहासिक मुकाबलो आपका नाम कर लियो। यो मुकाबलो जीतबा में विराट कोहली को पूरा योगदान हो। विराट कोहली इस मैच में 53 बॉल में 42 रन की शानदार पारी खेली और यू ही एक मैच हो भी मैच के बाद में मैं खुद विराट कोहली को बहुत ही जबरदस्त फैन हो गो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो चोखो लगी हो तो वीडियो लाइक करियो और आप फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।